सरकार की यहाँ पर क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबई कर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये, और उस पर सरकार का व्यवहार के 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र चुनाव में जाने वाला राज्य है, ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैसे देखती है, जस्टिस डिमांड? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं, उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन हम सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे? इस पे राजनीति से ज्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मुझे सीधे भाजपा सरकार से, शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना है कि इस हत्या की जवाबदेही आप ले रहे हैं या नहीं। सो कॉल्ड कुछ लोग जो सामने आकर दावा कर रहे हैं कि हमने किया है, उसी दावे के भरोसे इस हत्या कांड को छोड़ दिया जाए या सही में जड़ तक जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। जब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तैर जाए और एजेंसियां सारा रुख जांच का उधर मोड़ दें, मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है, तो इसकी बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट सामने आए ताकि पता चल सके कि इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे कौन है। एजेंसियों को सोचना चाहिए, राज्य चुनावी मोड में जाने वाला नहीं है बल्कि चुनावी मोड में है, चुनाव आयोग वहां पर बाकायदा विजिट कर चुका है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगर इस तरह से चुनाव का आगाज करवा रही है भाजपा सरकार महाराष्ट्र में, तो ये तो बहुत खूनी आगाज है।